भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर आज इतिहास के पन्नों में छिपते नजर आ रहे हैं। कभी समाज को आईना दिखाने वाली रचनाएं लिखने वाले लोक कवि की रचनाएं और उसकी प्रासंगिकता आज संघर्ष के दौर में खड़ी है। अपनी कला और रचनाओं के माध्यम से समाज की कुरीतियों पर कड़ा प्रहार करने वाले भिखारी ठाकुर एक महान क्रांतिकारी थे, लेकिन आज उन्हें केवल उनकी जयंती पर फूल मालाओं और संवेदना भरे भाषणों से याद किया जाता है। आज भी लोक कवि का पैतृक गांव कुतबपुर दियारा के लोग विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहने को छपरा शहर से आरा की तरफ पुल का निर्माण हुआ, पर भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर सहित दर्जनों गांव आज भी उसी दशा में है। ना ही पक्की सड़क नसीब हुई और ना ही मूलभूत सुविधाएं। इसमें सरकार को लापरवाही कहिए या भिखारी ठाकुर को दुर्भाग्य कहिए, अभी आप देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। इसके पहले इलेक्शन हुआ जिसमें सोशल डिस्टेंस का माने ध्यान नहीं रखा गया। आज भिखारी ठाकुर का जयंती नहीं मन रहा है, तो हम चाहेंगे ये फंड रिफंड हो रहा है तो आश्रम में खर्च हो, माने मेन रोड से लेकर भिखारी आश्रम तक रोड बन जाए, हम यही कहना चाहेंगे। गांव में स्कूल कॉलेज भी है क्या? स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है और 10+2 भी है, लेकिन वो बलवन टोला में कुतुबपुर में नहीं है। पक्की सड़क नहीं है बिल्कुल। अब तो आप आए हैं सर, मैंने भली भांति आप तो अवगत है। जिस भिखारी ठाकुर ने सदियों पूर्व ही समाज को एक नई चेतना प्रदान की थी, आज उनके गांव, परिवार और दुर्लभ रचनाओं को सहेजने वाला कोई सामने नहीं आया है। अब धरोहर चलाना, अभी तो नया युग में अभी तो ये बच्चे लोग अभी न्यू है, ये लोग को समझ नहीं है, लेकिन जो सरकार के बिहार सरकार के तरफ से मिलता है उसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। और जैसे भिखारी ठाकुर के नाम पे आदमी दुनिया आदमी कमाता है, खाता है, जीता है, लेकिन भिखारी ठाकुर के खानदान पर किसी भी फैमिली को कुछ नहीं मिलता है। और जहां तक मैं यही बता कहूंगी कि हाँ, हमारे घर के बच्चे हैं, सारे सब तो बच्चे ही हैं, फैमिली तो सब तो फैमिली ही है ना, लेकिन उसके थ्रू से कुछ एक रास्ता निकलना चाहिए कि हाँ, कि कुछ लगे कि हाँ, कि भिखारी ठाकुर के नाम पे कुछ मिला। आश्रम है, ठीक है, वो तो जनता का है, जनता का है, रोड भी बनेगा, जनता के लिए बनेगा। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार आयोजन स्थगित कर दिया गया। ग्रामीणों का ये मानना है कि अच्छा ही हुआ, वरना आयोजन के नाम पर फिर सरकारी राशि का बंदरबांट होता और महज खाना पूर्ति कर सरकार की तरफ से आयोजन करता और प्रशासनिक अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते। नहीं रहते चैनल फुल वाले से। अच्छा, चैनल समाज के अंदर में यहाँ पर नहीं रहते, जैसे समाज था, भगवान थे, फिर लोग इनका चरित्र से इनका कलाकना बुद्धि विपाक से बहुत अपना के कर लिए। हाँ, तो लोभी नहीं हुए पैसा के, लोग अपना मन रुपया देता है, अपना है कर देव, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। क्या तो शंकर भगवान है, उनका जितना विष्णु नाम फिक्र होता है। नहीं, कम से कम रोड का निर्माण तो होना चाहिए। हाँ, कम से कम भिखारी ठाकुर के स्थान पर चौक बन के कलाकना रोड होने चाहिए। उनसे है ना, हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जमीन है, वो भी इसको कल सुरवा का बनाने को बड़ा है, लोग कोई ध्यान नहीं दिया, कल फंक्शन करता लोग चलते रहते। आयोजन 18 दिसंबर को आयोजन होगा। हाँ, तो इस बार कोरोना काल है तो नहीं होगा। हाँ, सरकार नहीं किया, लागू नहीं किया। इस पे क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम कह रहे हैं कि बस अपना आदमी चाहिए और यहाँ पर का थोड़ा बड़ा होना चाहिए, दिखाई ठाकुर का आसन बड़ा होना चाहिए। 9 लाख रुपया इतना सब लोग घोटाला कर घोटाला कर लेता। हाँ, इनका नाम से बहुत कुछ आता है, लेकिन प्राप्त परिवार को नहीं होता, परिवार को प्राप्त नहीं होता। बता दें कि भिखारी ठाकुर एक महान लोक कलाकार थे, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर के साथ अनगढ़ हीरा और राय बहादुर तक कहा जाता है, जिनका जन्म सारण के सदर प्रखंड के कुतुबपुर दियारा गांव में हुआ था। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट।